हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग योर टीवी। तो आज हम बात करेंगे इंडिया का ओल्ड मूवी के बारे में जो अभी अभी नंबर एक पर आ गए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईएमडीबी कह रहा है। और अगर आप सच्चे दिल से क्यूरियस हो ये जानने के लिए देशद्रोही से भी कोई घटिया फिल्म हो सकता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है सरक 2, जो हॉटस्टार में कल ही फ्राइडे रिलीज किया हुआ था। और इस वीडियो के अंदर आपको रिव्यू मिलेगा सरक 2 के बारे में। सो सॉरी, इट विल बी नॉट अ रिव्यू, इट विल बी अ रोस्टेड रिव्यू। ओह नो, लेकिन आई एम सॉरी वंस अगेन, क्योंकि इस फिल्म खुद ही एक रोस्टेड फिल्म है जिसको रोस्टेड रिव्यू बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लगभग 20 साल के बाद महेश भट्ट ने। और आप लोगों को तो पता ही है कि महेश भट्ट कितना ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। आप लोगों को तो पता ही है कि महेश भट्ट का जो तस्वीर आता है वो बहुत ही नदान होता है सोशल मीडिया पे आजकल। सो उस तस्वीर की तरह इस फिल्म को भी नदान बनाने की कोशिश किया था महेश भट्ट ने, लेकिन ये कोशिश बहुत ही नाकाम रहा और उसके बाद ये बन गया एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस। इनफैक्ट शायद कलंक को भी ये टक्कर दे दिया और कलंक से जीत भी गया। सो इस फिल्म में स्टारकास्ट में है आलिया भट्ट, आदित्य राय कपूर, संजय दत्त, यीशु सेनगुप्त एंड एक्सेट्रा। सो पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म का गुड एस्पेक्ट में। और इस फिल्म का जो एक प्लस पॉइंट है वो है सिनेमाटोग्राफी और दूसरा है संजय दत्त। संजय दत्त का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है इस रोल में, लेकिन हैरान कर देने के बाद यह है कि इस दोनों एस्पेक्ट के छोड़कर इस फिल्म में कुछ भी ठीक नहीं है। सो ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा था कि ये एक थ्रिलर होगा या ड्रामा फिल्म होगा, लेकिन ये फिल्म कम्प्लीटली देखने के बाद मुझे अंदाजा लग गया कि ये ना ही थ्रिलर है ना ही ड्रामा है, लेकिन किस जॉनर के फिल्म है मुझे भी पता नहीं चला। और आई एम सो श्योर अबाउट दैट महेश भट्ट को भी नहीं पता है कि ये किस जॉनर के फिल्म है और क्या है ये। और एक बात, इस फिल्म को वरा होगा स्पॉयलर, सो इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय दिस फिल्म, अगर सच में करना चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि स्पॉयलर से भरा हुआ होगा ये और शायद आपको पहली बार ये फिल्म देखने का मजा खराब कर सकता है इस वीडियो। इस फिल्म को दो और चीज बहुत ही अच्छा है, एक है म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक जो बहुत ही अच्छा है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि म्यूजिक बार बार आ जाता है हर 5-10 मिनट के बाद में, सो दैट इज वेरी अनोइंग। तो चलिए अब इस फिल्म के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस पर हम कंसर्न हुए, मुझे पता है कि एक फिल्म होगा या फिर कैरेक्टर बेस्ड या स्टोरी बेस्ड, लेकिन ये फिल्म दोनों का मिक्सचर है और ये एक रीजन है जो इस फिल्म को बहुत ही खराब बनाता है। इसके अंदर ना ही किसी का कैरेक्टर डेवलप किया है, ना इसका स्क्रीन प्ले या स्टोरी मजबूत है। इन्होंने बहुत सारे चीज को टच करने के चक्कर में एक बेसिक आउटलाइन स्टोरी खो दिया और वो क्या बनाया उसको खुद को भी शायद अंदाजा नहीं है। इस मूवी में जो प्रॉब्लम हुआ, अगर आप कैरेक्टर को महसूस नहीं कर सकते हो, कैरेक्टर का दर्द या कैरेक्टर का जो इमोशन वो फील नहीं कर सकते हो, सो आप वो फिल्म किसी भी तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसमें संजय दत्त, इसमें गुरुजी, इसमें यीशु सेनगुप्त, इसमें आलिया भट्ट, आदित्य राय कपूर, किसी का भी कैरेक्टर का बिल्डअप नहीं है और स्टोरी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे स्टोरी शायद बहुत सारे बनाया हुआ है। अगर मैं साउथ इंडियन फिल्म के साथ कंपेयर करूँ बॉलीवुड मूवी का, सो एक चीज़ जो बहुत ही अच्छे से नोटिस कर सकता हूँ वो है, इंडियन मूवी इमोशन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड कैरेक्टर को सिंपथाइज करके इमोशन को ट्रिगर करने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन नाकाम ही रहता है हर टाइम। इसलिए साउथ इंडियन मूवी इतना बेहतरीन होता है, लोगों को इतना पसंद आता है। बॉलीवुड वाले तो कोशिश तो कर लेते हैं इमोशन को ट्रिगर करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। ड्रामा का भी बात करो तो वो भी कन्विंसिंग नहीं है, और मुझे लगता है कि इस फिल्म में आदित्य राय कपूर जैसा एक्टर को मिसयूज कर गया है और उसको शायद नहीं लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय दत्त बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन संजय दत्त के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था तगड़ा जिसमें वो कुछ बदल ला सके। और आए बात आलिया भट्ट के बारे में, आलिया भट्ट हाईवे उड़ता पंजाब में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इस फिल्म देखने के बाद आपको डाउट हो जाएगा कि कैसे वो हाईवे उड़ता पंजाब जैसे फिल्म कर सकता है। यहाँ पर मुझे जो लगता है कि परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था आलिया भट्ट का। राई बात अभी फिल्म का सबसे खराब चीज के बारे में, जो है स्क्रीन प्ले। ये इतना खराब है कि राइटर ने क्या लिखना चाहते थे और क्या कहना चाहते थे, कैरेक्टर को जस्टिफाइड भी नहीं किया। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन अनआंसर्ड। सो मुझे नहीं पता है कि राइटर ने क्या करना चाहते थे इस फिल्म को लेकर, क्या नजरिया था उसका, वो ना के बराबर है और जो है भी वो आपको थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं करेगा। बेवकूफ़ बन जाएंगे अगर आप कोई मिस्ट्री या थ्रिल और सस्पेंस के लिए आप एंड तक इस फिल्म से बने रहते तो आप शायद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ना ही क्लाइमैक्स में कोई थ्रिलर सस्पेंस होगा, इट्स अ फ्लैट फिल्म और आप एक्सपेक्ट ना करें वही बेहतर है। सो अभी फाइनल वर्डिंग में आते हैं, ये फिल्म इस साल का बहुत ही खराब फिल्म है। मैं हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स में जो आ रहा है उसमें बेफिक्र, लूट केस, खुदा हाफिज तो बहुत पसंद किया मैंने। ये तीन फिल्म जैसे तो कुछ भी नहीं है। ये ट्रेलर दिखा के लोगों को भड़का हुआ था कि ये फिल्म बहुत ही कुछ अलग होने वाला है, लेकिन ये फिल्म कुछ भी नहीं है, एक फ्लैट फिल्म है। और आप डिसअपॉइंट हो जाओगे इस फिल्म के देखने के बाद अगर आप ट्रेलर देखकर कुछ और सोचा था। और जो एडवाइस होगा ये कि ऑलरेडी बॉलीवुड में बहुत सारा जंक फर गया है, सो क्यों इसमें टाइम पैसा बर्बाद करने का क्या जरूरत है। अगर कंटेंट ड्रिवन फिल्म नहीं हो पा रहा है तो नहीं बनाओ, एंटरटेनमेंट फिल्म बनाओ। क्योंकि अगर सरक 1 वाज अ एंटरटेनमेंट फिल्म कम्प्लीटली, सो अगर आप एंटरटेनमेंट फिल्म बनाते आज एंटरटेन हो जाते। लेकिन आपने एक सीरियस फिल्म बनाया जिसके अंदर सीरियसनेस तो कुछ भी नहीं है, वो खुद एक रोस्टेड फिल्म है, वो देखकर ना आपको हंसी आएगा
ना आपको दुख आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर फिल्म को कंसेप्ट दिखा जाए तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, गॉड्स मैन कंसेप्ट था, उसमें फादर डॉटर रिलेशनशिप था, उसमें हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग दिखाया था, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन इतना सब टच करने के चक्कर में कुछ भी टच नहीं कर पाया, और एक भी ऐसा बॉन्डिंग नहीं है, एक भी ऐसा सीन नहीं है, एक भी ऐसा इमोशन नहीं है जो आपको महसूस कराए कि आप इसके साथ रिलेट कर पाए, आपका इमोशन जो है वो ट्रिगर कर पाए। एक भी ऐसा सीन नहीं है, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को देखने के सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मत देखिए इस फिल्म को और बर्बाद मत करिए अपना टाइम। लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू माई वीडियो। थैंक यू।